हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चे, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर बच्चे बायोलॉजी के अंदर। वो क्या है बच्चे? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। करें शुरू बच्चों। देखो क्या पढ़ना है बच्चे आज हमें पढ़ना है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बारे में पढ़ना है बच्चे। सबसे पहली चीज क्या आती है बच्चे? व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल क्या है बच्चे? फंडामेंटल किसको बोला जाता है? फंडामेंटल बेसिकली बेसिक वर्ड से लिया गया बच्चे, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी जहां से लाइफ ओरिजिनेट हुई वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हम किसकी बात करेंगे बच्चे? सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? सेल की। सेल क्या होता है बच्चे? एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या बोला बच्चे? कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके पास उसका खुद का क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस होना चाहिए। उसके पास उसका खुद का क्या होना चाहिए बच्चे? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ये क्या है बच्चे? एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये उसका क्या है बच्चे? न्यूक्लियस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और ये क्या है बच्चे? साइटोप्लाज्म है। क्या है बच्चे? साइटोप्लाज्म है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो बच्चे, सेल को हमने क्या बोला है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला बच्चे? देखो सेल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट यूनिट है बच्चे। किसकी बच्चे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्योंकि जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके मिलके बने हुए हैं बच्चे? सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल से मिल करके क्या बनेगा बच्चे? टिश्यू बनेगा, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो क्या कर रहा है? मिल करके एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हमने क्या बोलना शुरू किया बच्चे? टिश्यू। और टिश्यू से मिलके क्या बनेगा बच्चे? ऑर्गन। क्या बनेगा बच्चों? ऑर्गन, ठीक है। नंबर ऑफ टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे बच्चे? ऑर्गन बनाएंगे। उस ऑर्गन से क्या बनेगा बच्चे? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा बच्चे? ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है बच्चे? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन ए पर्टिकुलर मैनर। एक पर्टिकुलर मैनर में जब ऑर्गन्स को अरेंज किया जाएगा बच्चे, वहां से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम बन चुका होगा, वहां से उस बॉडी को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे बच्चे? ऑर्गेनिज्म। क्या बोलना शुरू कर देंगे? ऑर्गेनिज्म। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं बच्चे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली कहाँ से स्टार्ट अप हुआ बच्चे? सेल से। तो जो सारी की सारी स्ट्रक्चर जो हमने डेवलप की बच्चे, वो सारी की सारी स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? सेल के ऊपर। इसीलिए इसको हमने क्या बोला बच्चे? स्ट्रक्चरल यूनिट। दूसरी चीज क्या है बच्चे? फंक्शनल यूनिट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट? क्योंकि जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं बच्चे? सेल्स अपने आप परफॉर्म करती हैं। एक सेल को जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है बच्चे, वो अपने लेवल के ऊपर वो उसको कंडक्ट कर सकती है, वो अपने लेवल पे उसको परफॉर्म कर सकती है। इसलिए इसको क्या बोला गया बच्चे? फंक्शनल यूनिट भी बोला गया है, ठीक है बच्चे। अभी ये हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे, वो क्या आता है? डिस्कवरी। किसकी बच्चे? डिस्कवरी की बात करते हैं। हु डिस्कवर्ड द सेल? सबसे पहली बात यही आई बच्चे, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में क्या जानते हैं? डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे बड़ा रोल आया बच्चे, वो किसका आया बच्चे? रॉबर्ट हुक का। किसका आया बच्चों? रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 के अंदर बच्चे, कब? 1665 के अंदर सबसे पहले डिस्कवरी की थी बच्चे। किसकी? सेल की। वो डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक। कौन थे बच्चे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया बच्चे? डेड सेल के बारे में बताया। कहां से बताया बच्चे? उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया बच्चे? उन्होंने एक प्लांट सेल के ऊपर स्टडी की थी बच्चे। किसके ऊपर? प्लांट सेल के ऊपर। ये एक प्लांट हमने बनाया बच्चे, जिसके अंदर हमने क्या देखा बच्चे? प्लांट के आउटर साइड में, यहाँ स्टेम के आउटर साइड में क्या होती है बच्चे? बार्क होती है। क्या होती है? बार्क। एक डेड सेल्स की स्ट्रक्चर होती है बच्चे, जो क्या होती है? बार्क होती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है बच्चे? कॉर्क होता है। क्या होता है बच्चे? कॉर्क। उस कॉर्क को ऑब्जर्व किया था बच्चे किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने बच्चे? रॉबर्ट हुक ने। और उन्होंने क्या देखा बच्चे? उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप के अंदर किसको देखा बच्चे? कॉर्क को देखा। और उन्होंने क्या देखा बच्चे? कि ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है बच्चे? कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और उन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया, वो क्या नाम दिया बच्चे? सेला। क्या नाम दिया बच्चों? सेला। सेला सेला बोला था बच्चे उन्होंने। और जो बाद में मॉडिफाई होकर के क्या बना बच्चे? सेल बना, ठीक है। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की बच्चे, क्या?
ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है बच्चे, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है बच्चों? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब हनीकॉम्ब क्या होता है बच्चों? हनीकॉम्ब क्या होता है? आपने कभी बीज देखा है? हनी बीज को देखा हो? उसके उनके हैबिटेट को जब आप देखेंगे, उनके छत्ते को, मधुमक्खियों के छत्ते को अगर आपने देखा है, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं बच्चे? स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स डिवाइडेड होते हैं। ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था बच्चे? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। और उनको क्या नाम दिया बच्चे? सेला। क्या नाम दिया बच्चों? सेला। जो बाद में क्या बना बच्चे? सेल बना। बाद में क्या बना बच्चों? सेल बना। इतनी बात आई थिंक सबको समझ आई होगी। अभी देखो बच्चे, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी? डेड सेल की डिस्कवरी। अब सेकेंड जो आया था बच्चे, वो साइंटिस्ट आए थे एंटन वॉन लिवनुक। कौन आए थे बच्चे? एंटन वॉन लिवनुक। उन्होंने क्या किया था बच्चे? एंटन वॉन लिवनुक ने सबसे पहले डिस्कवरी की थी बच्चे किसकी? लिविंग सेल की। किसकी बच्चे? लिविंग सेल्स की। ठीक है, एंटन वॉन लिवनुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया लिविंग सेल को। और डेड सेल को किसने डिस्कवर किया बच्चे? रॉबर्ट हुक। बट जब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की, तो उसमें सबसे पहला रोल किसका आता है बच्चे? रॉबर्ट हुक का आता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्लासीफाई किया था, सबसे पहले उसको नेम दिया था, और सबसे पहले लिविंग सॉरी डेड सेल को डिफाइन किया था बच्चे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले किसका रोल? रॉबर्ट हुक का। उसके बाद किसका आता है बच्चे? एंटन वॉन लिवनुक का। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद ये था बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, यानी सेल क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे, देखो बच्चे ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे किसके बच्चे? सेल थ्योरी की। सेक्लेडेन सचवान नाम के साइंटिस्ट जो थे, जिन्होंने क्या किया बच्चे? फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी को। बाद में रुडोल्फ फिर्चो आए, उन्होंने क्या किया बच्चे? सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। ठीक है, आप उन चीजों के बारे में किसके कौन से लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चे? सेकेंड लेक्चर के अंदर। क्लियर है? होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।